तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी निशानदही कर दी है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन ना रहूं, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। 4 अक्टूबर को हर सूरत एहतजाज होगा, हमने एहतजाज की मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं। आज PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस समाअत के लिए मुकर्रर था, इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायत दी थी उसके मुताबिक इंतखाबात करवाए थे। कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन न रहूं या ये कि मैंने रिज़ाइन किया हुआ, क्योंकि उस ऑर्डर के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे पार्टी के, अगर मैं रिज़ाइन करूं तो जब तक इलेक्शन ना हुआ हो पार्टी बगैर चेयरमैन की होगी, इंशाल्लाह ये सारे नाकाम होगी। ये उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन के सामने, इसकी समाअत मुकर्रर थी। इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायत दी थी उसकी लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत हमें दे दी थी उसके मुताबिक हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन अहसन तरीके से करवाए थे। उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।